को देते हैं, क्योंकि हमें वो समझना जरूरी होगा आगे की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए। राइटिंग और बाइंग के भी ऑप्शंस होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो सामने कोई बेच भी रहा है, आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो सामने कोई बेच भी रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है राइटर, एक होता है बायर। बायर तो बायर है, राइटर कोई और नहीं, सेलर है। जो आदमी ऑप्शन बेच रहा है वो सेलर है, उसको राइटर कहते हैं बाजार की भाषा में, कि हम ऑप्शन राइट कर रहे हैं, लेकिन आप दरअसल ऑप्शन बेच रहे हैं। तो अगर आपने अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राइटर और बायर में से कौन तेजी कर रहा है और कौन मंदी कर रहा है। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, कॉल ऑप्शन राइट करके देती हूँ तो ये तो गलत हुआ, ये नहीं, नहीं, अगर गलत से ही नहीं, मैंने कॉल लिया, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, कब खरीदा मैंने, जब मुझे लगता है कि इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, तो मैंने 200 रुपए का शेयर 210 हो जाएगा ये मानते हुए 200 रुपए पे कॉल ऑप्शन खरीदा, तो मैं तो तेजी कर रहा हूँ, लेकिन जो आदमी सामने बेच रहा है आज वो ऑप्शन 200 के स्ट्राइक वाला, 205 के स्ट्राइक वाला, वो राइटर है, वो क्या सोच रहा है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, तो उसने आज मेरे से 208 रुपए का प्रीमियम ले लिया, तो वो 208 रुपए तक की कीमत उसने इस शेयर की लगा ली। 200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 8 रुपए का प्रीमियम ले लिया, तो उसने 208 रुपए की कीमत तय कर ली, उसको लगता है कि 208 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 207 पे ही एक्सपायर हो गया तो उस स्थिति में उसको तो फायदा हुआ 1 रुपए का, टोटली। तो 208 तक वो जो राइटर है वो कवर्ड है, तो जो राइटर है वो मंदी कर रहा है कॉल का, लेकिन जो बायर है वो तेजी कर रहा है। पर जैसे ही आप पुट पे जाते हैं तो ये कहानी बदल जाती है। पुट का जो बायर है वो ये कह रहा है कि मैं 200 रुपए में ये शेयर बेचने आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवार को एक्सपायरी के दिन इस शेयर के दाम कम होंगे, इसलिए अगर मैं 200 रुपए में बेचूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर के भाव में बेचने का मौका मिलेगा। तो पुट का बायर मंदी में है, लेकिन पुट का राइटर वो ही मंदी में ही होगा ना? नहीं, वो तेजी में होगा, राइट, क्योंकि वो सामने तेजी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इस भाव से नीचे शेयर नहीं जाने वाला। तो अगर 190 रुपए के स्ट्राइक वाला पुट किसी ने बेचा, उसको लगता है कि ये शेयर 190 के नीचे नहीं जाएगा, 200 से नीचे गया तो, जो 195 पे बेच रहा है वो कह रहा है कि 195 के नीचे नहीं जाने वाला, जो 200 का बेच रहा है वो कह रहा है कि 200 के नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है, और उसके हिसाब से वो उसके ऊपर प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है। अगर उसको लगता है कि 200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, और वहां पर जैसे हमने ऊपर बात की थी कि 10 रुपए ऊपर का भाव मुझे दिख रहा है और मैंने 8 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी पे किया, वैसे ही जो पुट का राइटर है वो भी आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो वो उतने तक की गिरावट के लिए कवर्ड है, उसकी पोजीशन कवर्ड है, लेकिन वो दरअसल ये कह रहा है कि इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, इसलिए वो तेजी में है, क्योंकि वो नीचे की तरफ सपोर्ट देख रहा है। कॉल का राइटर मंदी में है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख रहा है और वो आपको कॉल बेच रहा है। तो किसी भी मामले में एक जो साइड होती है वो लॉन्ग होती है, एक साइड शॉर्ट होती है, बाजार में तभी सौदे होते हैं, एक आदमी तेजी में एक आदमी मंदी में होता है तभी सौदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर खास जो फर्क है जानने वाला वो ये कि कॉल का बायर तेजी में है, राइटर मंदी में है, पुट का बायर मंदी में है और राइटर तेजी में है। ओके, ये तो बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं जो जानना जरूरी है आपको, अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। लेकिन ऑप्शंस हमने देखा अलग अलग वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं, ऐसे में एक स्ट्राइक प्राइस भी होती है। हम कैसे समझें कि हम इन द मनी एट द मनी, जो हम जागिन अक्सर सुनते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसका ऑप्शन की वैल्यू से क्या जुड़ाव है? तो हम पहले वाले एग्जांपल पे रहते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक शेयर 200 रुपए का है और बाजार में आपने जो ऑप्शन ले रखा है वो 200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है, 205 का हो सकता है, 210 का हो सकता है, 195 का हो सकता है, 190 का हो सकता है, 185 का हो सकता है। अब जब बाजार भाव 200 रुपए है और आपने जो ऑप्शन लिया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा इन द मनी होगा, कौन सा आउट ऑफ द मनी होगा। इसका मतलब क्या होता है इन द मनी में होना? तो मान लीजिए कि 200 रुपए का आपने 200 रुपए के स्ट्राइक वाला ऑप्शन आपने लिया है और इस समय बाजार का भाव भी 200 रुपए है, तो 200 रुपए वाला ऑप्शन एट द मनी है। ओके, जो बाजार भाव पे, जो बाजार भाव पर है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास 205 रुपए का कॉल ऑप्शन है
यानी मेरे पास ये राइट है कि मैं 205 रुपए में इस स्टॉक को खरीद सकता हूँ, अगर एक्सपायरी आज हो जाए, जब बाजार में ये 200 रुपए का मिल रहा है, तो क्या मैं 205 रुपए में खरीदूंगा? हाँ या नहीं? नहीं, नहीं। तो मैं आउट ऑफ द मनी हूँ। ओके। अगर मेरे पास 195 रुपए का कॉल ऑप्शन है, यानी मुझे ये अधिकार है कि मैं एक्सपायरी के दिन ये कॉल, ये स्टॉक 195 रुपए में खरीदूं, और आज ये 200 रुपए का है, आज एक्सपायरी हो जाए, तो क्या मैं खरीदूंगा? खरीदूंगा। तो मैं इन द मनी हूँ। इन द मनी यानी मुनाफे में, आउट ऑफ द मनी यानी घाटे में। तो ये टर्म हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक्सपायरी तो दूर है ना अभी। आज एक्सपायरी हो जाए तो अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं इन द मनी। आज एक्सपायरी हो जाए इसी भाव पे और मुझे घाटा हो रहा है तो मैं आउट ऑफ द मनी। आज एक्सपायरी हो जाए इसी भाव पे तो ना तो मुझे घाटा ना तो मुझे फायदा, तो मैं एट द मनी। ये ऑप्शंस की डेफिनेशन होती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पुट है तो उल्टा होगा। यानी अगर मेरे पास पुट है 200 रुपए का और बाजार का भाव है 205, तो आज मुझे ऑप्शन है कि मैं 200 रुपए में ये शेयर बेचूं, लेकिन बाजार में तो 205 में बिक रहा है, तो मैं 5 रुपए नीचे क्यों बेचूंगा? तो मैं घाटे में हूं। तो कॉल जहां पर एट द मनी है, उसी स्ट्राइक वाला पुट आउट ऑफ द मनी होगा। ओके, ऑलराइट। राइटिंग एंड ऑप्शन, इसको हम कैसे समझे, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग? तो हम अक्सर सुनते हैं कि राइटिंग हो रही है, राइटर खड़े हैं, इस तरह के टर्म्स आप अक्सर सुनते होंगे चैनल पे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, बाजार में सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि हम ये बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन लेने से, खरीदने से बहुत कम रिस्क पे आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत कम रिस्क लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कम पैसे लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि बाजार आपके खिलाफ चला गया तो आपका जितना पैसा आपने ऑप्शन में डाला वो सब चला जाता है। तो बाजार को जो डोमिनेट करते हैं, ऑप्शन मार्केट को जो प्लेयर्स, वो दरअसल राइटर होते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो बड़े डीप पॉकेट वाले इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, और जो बायर होता है आमतौर पर वो छोटा खिलाड़ी होता है। बड़े खिलाड़ी भी स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेक्यूलेशन के दौरान। तो राइटर जो है वो ज़्यादा सीजनड है और ऑड्स ज़्यादा उसके फेवर में होता है कि वो जीतेगा, बायर के जीतने की संभावनाएँ कम होती हैं। तो ऑप्शन राइटर जो राइट कर रहा है, हम बाजार को हमेशा उसके नज़रिए से देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो उसके सही होने की संभावना अधिक है। तो जब बाजार में पुट राइटिंग बहुत हो रही हो, पुट राइटर ध्यान रखिए तेज़ी में होता है, तो जब बाजार में पुट राइटिंग बढ़ती है तो हम कहते हैं कि बाजार मजबूत हो रहा है। किसी स्टॉक पे अगर पुट राइटिंग बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि ये स्टॉक मजबूत हो रहा है। उसी स्टॉक पे अगर कॉल राइटिंग बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि ये स्टॉक कमजोर हो रहा है। या बाजार में मान लीजिए निफ्टी में कॉल राइटिंग बढ़ने लगी तो हम कहते हैं कि ये कमजोर हो रहा है। फिर हम वो लेवल देखते हैं जहां पे राइटिंग हो रही है। मान लीजिए कि निफ्टी 10,800 पे है और 11,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि 11,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है जहां पे कॉल राइटिंग हो रही है। और मान लीजिए कि 10,700 पे पुट राइटिंग हो रही है तो हम कहते हैं कि 10,700 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो तेजी वाले खिलाड़ी हैं, जो पुट राइटर हैं, वो यहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो वो सपोर्ट के तौर पे वो लेवल उभर के सामने आते हैं। किसी स्टॉक में भी यही बात होती है। अगर आप किसी शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडर को हमेशा ये देखना चाहिए कि ऊपर किस लेवल पर बड़ी कॉल की पोजीशन खड़ी है, उसके आसपास जाकर के एक बार ट्रेडर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं उस लेवल से एक आध रुपए नीचे ही, क्योंकि उनको लगता है ये रेजिस्टेंस है। वैसे ही नीचे की तरफ सपोर्ट, जहां पे बड़ी पुट की पोजीशन खड़ी है उसके आसपास उस शेयर को लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर नहीं भी हैं तो भी आप किसी स्टॉक में जहां कैश में ट्रेड करने जा रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, आप कैश में पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसमें कॉल कहां खड़े हैं, पुट कहां खड़े हैं, तो आप अपने एंट्री और एग्जिट के प्राइस उस हिसाब से ट्रेडिंग के व्यू से, इन्वेस्टर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पोजीशन तो महीने के आखिर में एक्सपायर हो जाएगी। ट्रेडर जो दो चार दिन, दो चार हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहा है, उसको ये पोजीशंस इस नज़रिए से देखनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन ये बताएं कि पुट